नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव अगले 2.5-3 महीने के अंदर अंदर हो जाना है, क्योंकि 3 नवंबर तक हरियाणा के अंदर नई विधानसभा का, नई सरकार का गठन होना तय है। उसके लिहाज से माने तो अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो जाएगा। इस लिहाज से हरियाणा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए अब लगभग 2 महीने का समय बाकी रह गया है। इसी दौरान में चुनाव डिक्लेयर भी होगा, आचार संहिता लग जाएगी और फिर पार्टियों के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनके टिकटों के आवेदन, टिकटों के आवंटन, ये सब काम शुरू हो जाएगा। राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है कि जो राजनीतिक दल हुआ करते हैं वो अपने कैंडिडेट्स के पैनल बनाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, वो चयन करती हैं कि इनमें से कितने लोग कैंडिडेट सही हो सकते हैं और उसके बाद में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर आता है बारी तय करने की कि कौन से नेता को चुनाव लड़ाया जाए। खासकर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अंदर तो ये प्रक्रिया विशेष रूप से होती है। होती तो क्षेत्रीय पार्टियों में भी है, होती तो घरेलू पार्टियों में भी है कि जिसके अंदर पता लगाया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि राजनीति के अंदर सबसे ज़रूरी होता है सत्ता के नज़दीक पहुंचना और सत्ता तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है कि अच्छे कैंडिडेटों का चयन, ताकि वो चुनाव जीत करके उस पार्टी को सत्ता में लाने में भागीदारी कर सकें। अब कैंडिडेट का चयन कैसे हो, इसके लिए तमाम पार्टियों की अपनी एक पॉलिसी होती है, अपनी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म मंगाते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन आवेदन मंगाते हैं, कुछ लोग उनसे फिजिकल आवेदन लेते हैं। ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया होती हैं और इस विधानसभा चुनाव के अंदर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी एक प्रक्रिया शुरू की और कांग्रेस ने वो प्रक्रिया शुरू की कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में जा करके, यानी कि चंडीगढ़ में, जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कांग्रेस पार्टी से, वो अपना आवेदन करेंगे और चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अपने साथ 20,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि DD जमा करना होगा। और इसके साथ ही साथ दूसरी बात ये रखी गई कि ये जो 20,000 वाली शर्त है ये सामान्य जाति के लिए है, सामान्य सीटों पर, और जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं, SC सीट जो हैं, और या फिर जो महिला जो प्रत्याशी हैं, यानी कि जो SC कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट जो वो दावेदारी करेंगे, तो उनको फिर ये राशि जमा करनी होगी 5,000 रुपये। यानी कि जो सामान्य का श्रेणी से आते हैं उनको अगर विधानसभा का टिकट लेना है कांग्रेस पार्टी से, तो उनको आवेदन करना होगा हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ जाकर के, और वहाँ पर उन्हें 20,000 रुपये का DD लगाना पड़ेगा। और अगर वो कैंडिडेट अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला हैं, तो फिर उनको 5,000 रुपये का DD देना होगा। ये काम उनको भी करना होगा जो विधायक चुने जा चुके हैं, यानी कि इस समय हरियाणा में कांग्रेस के वैसे तो 30 विधायक हैं, लेकिन ये टेक्निकल रूप से हैं, लेकिन क्योंकि किरण चौधरी जो तोशाम के विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुकी हैं, विधायकी बरकरार है, इस लिहाज से कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं। यानी कि उन 29 विधायकों को भी, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं, अगर टिकट लेना है कांग्रेस का तो अपना आवेदन करना होगा। इसके लिए दोस्तों तारीख तय थी 31 जुलाई तक, यानी कि जिसमें अभी 2 दिन बाकी बचे हैं, और इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर भी लोग आवेदन करेंगे और जारी है। यहाँ आपसे जिस बात को लेकर मैं चर्चा में हूँ वो ये है कि हरियाणा की जो 90 विधानसभा की सीटें हैं उनके लिए कांग्रेस की टिकट चाहने वालों की संख्या 1500 पहुंच चुकी है अभी तक, 1500। यानी कि जो अगले 2 दिन हैं, 30 और 31 तारीख, ये जो आंकड़ा है 1500 का, ये 29 तारीख की सुबह का है, आज सुबह का, और उसके बाद भी लोगों ने आवेदन किए और फिर अभी वो 30 और 31 को भी आवेदन होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस आवेदन की तिथि को अभी और भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो धनराशि वाली बात आई कांग्रेस के लिए, ये राहुल गांधी जी ने, ये जो मैसेज था राहुल गांधी की तरफ से कि कांग्रेस की टिकट चाहने वाले लोग एक अपना फंड जो है DD के रूप में, पार्टी को चंदे के रूप में जमा करेंगे, और जिन लोगों का चंदा जमा होगा उनको टिकट मिले या ना मिले, उनको वो पैसा तो वापस होना नहीं।
अगर इस लिहाज से माने तो फिर 20,000 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से, और जो अनुसूचित जाति और महिला कैंडिडेट है महिला वर्ग के, उनको 5,000 रुपये के हिसाब से कांग्रेस का खजाना भी खूब भरेगा। मैं आपको बता रहा था कि अभी तक 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना आवेदन कर दिया है कांग्रेस की टिकट के लिए। 29 MLAs में से अभी तक 17 MLAs ने अपना आवेदन किया है। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया अभी तक, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं, गढ़ी सांपला किलोई के MLA। अब आगे बात यह आ जाती है दोस्तों कि अभी क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो इस आवेदन की तिथि को और बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार कतार लग रही हैं, जिस प्रकार कांग्रेस की टिकट की इच्छा रखने वाले लोग लाइन लगा करके कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अभी ये कतार रुकने वाली नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं उनके लिए अभी ये आवेदन की जो तिथि है 31 जुलाई अंतिम तिथि, इसको और भी बढ़ा सकती है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कांग्रेस के पास इतनी बड़ी कतार लग क्यों रही है और कारण क्या है और इसके मायने क्या हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2024 का भी हाल ही में जो 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसका 4 जून को परिणाम आया, रिजल्ट आया जिसका 4 जून को, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने 5 लोकसभा की सीटें जीत ली, 5 सांसद हरियाणा से कांग्रेस के बन गए। और उसके बाद से आप मान लें तो चाहे कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता, सभी उत्साहित हैं और कांग्रेस की टिकट के लिए इस समय नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर पूरी दौड़ है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1500 से अधिक 90 सीटों पर कैंडिडेट जा चुके हैं, अगर उसको 90 से डिवाइड किया जाए 1500 को, तो भी आप माने तो लगभग एक विधानसभा सीट पर 15-16 कैंडिडेट के आसपास बन जाते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि कांग्रेस की टिकट चाहने वाले लोगों में कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर आधा शतक लग चुका है, अर्धशतक, यानी कि 50 लोगों तक ने दावेदारी कर दी है, 45-50 लोगों ने। उनके अंदर एक विधानसभा की सीट नीलोखेड़ी भी है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं। और बताया ही जा रहा है कि जो दलित समाज से यानी कि SC ST के लिए सीट है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, उन पर दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या ज़्यादा है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि आखिर ये कारण क्या है, तो एक बड़ा कारण तो यही कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 5 सीटें जीत ली, 5 सांसद जीत लिए, उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हौसला 7वें आसमान पर है, वो पूरे जोश से लबरेज हैं। उनको लग रहा है कि हरियाणा में इस हालात में हमारी गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार हमारी बन जाएगी। दूसरा, आजकल कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा की जनता की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से हिसाब किताब मांगने निकले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल का हिसाब दो। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फिर कुमारी शैलजा ने शुरू कर दिया है अपना पदयात्रा अभियान अलग से। वो हरियाणा के शहरी सीटों पर, कहा तो शहरी जा रहा है लेकिन मुझे लगता है जाएंगी कई जगह और भी, तो वो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में जा कर के वो कह रही हैं कि जो ये यात्रा चल रही है उनकी, कांग्रेस संदेश यात्रा, हरियाणा का हक मिलने तक, यानी कि हरियाणा के हकों की मांग को लेकर के एक सवाल पूछ रहे हैं, एक मांग रहे हैं हक। तो ये कांग्रेस के बड़े नेता यात्राएं कर रहे हैं। दूसरा कारण ये कि क्योंकि यात्राओं में भीड़ जुट रही है और उसको देख करके नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस की टिकट मिलने का मतलब वो जीत के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। और तीसरा अगर देखें तो तीसरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और इसको लोग सोच देख करके समझ लेते हैं कि 10 साल के बाद में रिपीट करना सरकार को, भले ही गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार रिपीट हो रही हो, भले ही मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार कई बार रिपीट हो गई हो, लेकिन राजस्थान जैसे सूबे भी हैं जहाँ पर कि हर 5 साल में जनता राज बदल देती है, और हरियाणा में भी 2004 से पहले तो यही था कि हर 5 साल बाद जनता अपना राज बदल देती थी। ये जरूर हुआ कि 2004 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गए, 2005 से 14 तक, और फिर 2014 से 24 अब चल रहा है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यानी कि दोनों को 10-10 साल मिल गए। तो लोगों को ये भी लगता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी, कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी कांग्रेस को हरियाणा में फ़ायदा देगी। और इस सब को देखते हुए खासकर जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं राजनेता,
वो जुटे हुए हैं और दूसरे वो कि जिनको लगता है कि 10 साल का सूखा खत्म हो जाएगा अगर सरकार के अंदर टिकट भी नहीं मिलता तो आवेदन करने से कम वो प्रमुख नेता के रूप में तो सामने आ जाएंगे। वैसे यहाँ बात दीगर ये भी है कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं कि जो लोग जिनकी चर्चाएं थी विधानसभा चुनाव लड़ने की लेकिन अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं किया। इस श्रेणी में आप राज बब्बर को भी ले सकते हैं, गुरुग्राम के जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिग्गज फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के बड़े नेता राज बब्बर, जिन्होंने गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए इस लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आजकल के सांसद इंद्रजीत सिंह के पसीने छुड़ा दिए थे। चर्चा थी कि वो भी गुरुग्राम से लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अभी तक आवेदन राज बब्बर ने भी नहीं किया। अब संभावना ऐसी भी है कि इस आवेदन की तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर कुछ आगे भी किया जा सकता है ताकि एक तो कांग्रेस का खजाना भरेगा और दूसरा उनके पास कैंडिडेट्सों की कतार लग जाएगी जिनमें से वो चयन कर सकेंगे कि किसको टिकट दिया जाए। वैसे कांग्रेस के अंदर जो कैंडिडेट्स टिकट चाहने की इच्छा रखने वालों की लोगों की भीड़ लग रही है, इसको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुखद संदेश मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में चल रही लहर का कमाल है और वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है इसलिए बड़ी संख्या में लोग टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं और माना ये जा रहा है कि अगले दो दिन में अगर तारीख ना भी बढ़ी तो भी, और अगर अगले दिनों में तारीख बढ़ती है तो फिर ये और भी संख्या और बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि जो 1500 तक पहुंच चुकी है ये 2000 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स की संख्या जो टिकट की इच्छा रखते हैं वो 2000 से ज़्यादा भी पहुंच सकती है और इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में खासकर ये चर्चाएं हैं कि ये कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ है जिसके चलते लोगों में उम्मीदें ज़्यादा जाग रही हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोग टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं क्या उससे ये माना जाए कि हरियाणा में लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस के पक्ष का माहौल है? आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी लोगों को कांग्रेस की तरफ उत्साहित और प्रोत्साहित कर रही है? और आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में जो उन्होंने आवेदन के लिए तिथि रखी हुई है 31 जुलाई की, इसको और भी बढ़ा सकती है और कितने लोग आवेदन कर सकते हैं टिकट के लिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।